देवा गुर्जर हत्याकांड। दो और नए किरदारों के नाम आए सामने। लगातार बढ़ रही है आरोपियों की संख्या। कोटा देवा गुर्जर हत्याकांड। दीव गुर्जर मर्डर केस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड में दो और बदमाशों में शंस की भूमिका सामने आई है। उसके बाद इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने उनकी भी तलाश शुरू कर दी है। देवा गुर्जर की हत्या के मामले में आरोपियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह संख्या 13 से शुरू होकर पहले ही 23 तक पहुंच चुकी है। अब दो और बदमाशों के नाम सामने आने से इनकी संख्या 25 तक पहुंच गई है। हालांकि पुलिस ने दोनों बदमाशों को अभी तक नामजद नहीं किया है, लेकिन सरगर्मी से उनकी तलाश की जा रही है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में पहले से फरार चल रहे मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर के भाई भैरू लाल गुर्जर पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। अब पुलिस के सामने केवल भैरूलाल गुर्जर को पकड़ना ही चुनौती नहीं है, बल्कि उसे दो अन्य बदमाशों को भी पकड़ना है। इन बदमाशों की भी भूमिका भी इस हत्याकांड के षड्यंत्र में अहम बताई जा रही है। लिहाजा अब फरार बदमाशों की संख्या फिर से बढ़कर 3 हो गई है। फरार आरोपी भैरूलाल गुर्जर के खिलाफ 6 मामले दर्ज है। भैरूलाल गुर्जर के खिलाफ भी पहले से ही 6 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस उस पर इनाम घोषित करने के साथ ही उसकी संपत्ति को भी कुर्क करने की कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है। पुलिस इस मामले पूर्व में नामजद 23 आरोपियों में से 22 को गिरफ्तार कर चुकी है। उनमें से भैरूलाल अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस लगातार उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस ने दरा जंगल का कोना कोना छान मारा। पुलिस को अब भी शक है कि भैरूलाल गुर्जर जंगलों में ही कहीं छिपा हुआ है। लिहाजा उसकी तलाश में दरा के जंगलों की अब भी खाक छानी जा रही है। एक दिन पहले सामने आए दो अन्य बदमाशों के भी जंगलों में ही छिपे होने की संभावना जताई जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने मुकुंदरा हिल्स और दरा के जंगलों का कोना कोना छान मारा है। देवा गुर्जर के दुश्मनों की फेहरिस्त काफी लंबी है। देवा गुर्जर की इस माह ही शुरुआत में रवत भाटा में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। कोटा के आरकेपुरम थाने के हिस्ट्री शीटर रहे देवा गुर्जर पर भी एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। पुलिस की जांच में सामने आया कि बड़ा डॉन बनने की चाहत में देवा की कई बदमाशों से दुश्मनी हो गई थी। यही दुश्मनी उस पर भारी पड़ गई और उसके दुश्मनों ने उसे दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। प्रॉपर्टी और लेन देन को लेकर हुई थी देवा की हत्या। दरअसल हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या रावत भाटा में 4 अप्रैल को एक सैलून की दुकान पर हुई थी। सैलून में शेविंग कराते वक्त 1.5 दर्जन से भी अधिक हथियारों से लैस हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस अब तक मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर समेत 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 16 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं 6 आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। भैरूलाल पर 6 चट में दर्ज हैं कई मामले दर्ज। देवा गुर्जर हत्याकांड में शामिल भैरूलाल गुर्जर पर कोटा ग्रामीण के चैचट थाने में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, जिसमें प्रॉपर्टी विवाद, जानलेवा हमला सहित कई हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस अब तक मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर समेत 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 16 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं 6 आरोपी अभी पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। भैरूलाल पर 6 चट में दर्ज हैं कई मामले दर्ज। देवा गुर्जर हत्याकांड में शामिल भैरूलाल गुर्जर पर कोटा ग्रामीण के चैचट थाने में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं, जिसमें प्रॉपर्टी विवाद, जानलेवा हमला सहित कई मामले शामिल हैं। भैरूलाल की तलाश के लिए एसआईटी और रावत भाटा पुलिस कई जगहों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं लग रहा। यह भी सामने आ रहा है कि आरोपी भैरूलाल ने बाबू गुर्जर के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दिया है।